जय जगन्नाथ दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई जस्ट होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे एंड इस दुर्गा पूजा को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी होप के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, लास्ट दो वीडियो में मैंने भुवनेश्वर के सारे पंडाल्स ऑलमोस्ट मैंने आपको दिखाए एंड माता की जो प्रतिमूर्ति है वो भी दिखाने की कोशिश की है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाके चेक कर लेना। और इस वीडियो में हम चलेंगे, मेरे साथ आप लोगों को मैं लेके जा रही हूँ स्टेशन बाज़ार का जो पंडाल है। इनफैक्ट स्टेशन बाज़ार में हर साल कुछ ना कुछ मतलब इंटरेस्टिंग ही होता है। लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा हुआ था, तो इसी होप के साथ हम गए थे स्टेशन बाज़ार। तो सबसे पहले तो ये बाहर का जो मतलब रोड है स्टेशन की तरफ जाते हुए, तो ये कुछ ऐसा था, पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन फिर बाद में जब मैंने पूछा उन लोगों से जो वहाँ के जो मेम्बर्स है, तो उन्होंने बोला कि कंबोडिया का एक सबमर्ज्ड विष्णु मंदिर है, टेम्पल है, उसका ये जो मॉडल है। तो पूरा आप इसको क्रॉस करते हुए जाओगे, सारा सब कुछ डिटेल में दिखा है यहाँ पर, आपको थोड़ा देख के डिटेल में देख के जाना पड़ेगा। एंड ये रहा एंट्री, जैसे हम एंटर करते हैं सबसे पहले यहाँ पर दो गेट्स हैं एंड तो यहाँ पर दो इस तरह के हाथियों के दो सिर है, तो कुछ पिक्चर्स भी यहाँ पर क्लिक कर रहे थे। सामने भी माता मतलब ये मतलब अलग तरह के कुछ प्रतिमूर्तियाँ जैसे आप देख रहे हो ये है। एंड ये वाला पैसेज बहुत अच्छा लगा, जैसे पूरा प्लांट से भरा हुआ है, जैसे किसी रोड पे आप जा रहे हो, अच्छे वाले रोड, जंगल वाले रोड पे, ऐसा ही लग रहा था। तो यहाँ पर आप ऊपर का भी व्यू देखो, पूरा मतलब डिटेल, इतना डिटेलिंग में सब कुछ सही रखा गया है ना, तो आपको पूरा लगेगा कि हाँ आप जंगल के अंदर ही जा रहे हो, तो ऐसा ही लग रहा था। तो सारे कोई हर कोई इनफैक्ट पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, तो मुझे लगा कि हाँ यही मतलब अच्छा है। फिर जैसे ही मैं अंदर एंटर की, मतलब एक अलग ही दुनिया था, जंगल से हम लोग अंदर आए एंड ये पूरा सामने, मेरे सामने ये पूरा जैसे मुझे लगा कोलकाता शहर है, जो कि दुर्गा पूजा के टाइम पे सजता है इस तरह। एंड पूरा एग्जैक्टली सामने बुद्धा का एक मूर्ति है, बहुत बड़ा स्टैचू यहाँ पर है एंड छोटा सा एक वाटर बॉडी टाइप का बनाया गया है। तो मैंने पूछा था, बोले कि वहाँ पर लेक ऐसा है तो इसीलिए यहाँ पर बना हुआ है, एंड लेक के ऊपर एक छोटी सी इस तरह की ब्रिज है। तो इस ब्रिज को जैसे हम क्रॉस करते हैं तो अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, पूरा कलरफुल दुनिया है जिसमें हर कलर के घर आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा लगेगा कि हाँ, बिल्कुल लगेगा नहीं कि ये पंडाल है, ऐसा बनाया गया है, पूरा लगेगा कि हाँ सच में घर है एंड अभी यहाँ से इंसान जो वो निकल के आएंगे। तो बहुत ही सुंदर सा मॉडल है, बहुत सुंदर सा। बीच बीच में यहाँ पर कुछ मंदिर है, अलग तरह के प्रभु भगवान की जो है मूर्तियाँ हैं, कहीं पर शिव जी की एक लिंग मैंने देखा, शिवलिंग एक देखा एंड दुर्गा माता की मूर्ति, अलग अलग प्रभुओं की मूर्ति हमने देखा। तो ये देखो पूरा आपको 360 डिग्री दिखा रही हूँ। एंड जैसे हम और थोड़ा अंदर चलते हैं, थोड़ा सा अंदर जाते ही हमें मिलेंगे माँ दुर्गा। तो यहाँ की जो माँ दुर्गा है उनका जो बैकड्रॉप होता है वो थोड़ा मतलब अलग कलर का होता है, जैसे अभी आपको मैं दिखा रही हूँ, अभी इस साल का जो है बैकड्रॉप ये पूरा ग्रीन कलर में है। तो यहाँ पर भी एक मूर्ति है इनफैक्ट, एंड चारों तरफ भी आप देख सकते हो मूर्तियाँ हैं एंड सामने ये रही माँ दुर्गा। तो पूरा ग्रीन कलर का बैकड्रॉप है एंड माता के दर्शन कर लीजिए, जय माँ दुर्गा। तो यहाँ पर हमने दर्शन किया अच्छे से, फिर दर्शन करने के बाद फिर से रिटर्न कर रहे हैं। तो ये एग्जिट है, तो आप चाहो तो इधर से भी एग्जिट कर सकते हो, लेकिन हम लोग जिस रास्ते से आए थे फिर से उसी रास्ते से चलते हैं और थोड़ा देख कर जाएंगे, कहीं अगर कुछ छूट गया होगा। तो पूरा घूम के, सब कुछ पूरा अच्छे से घूम के हम गए थे। एंड यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी, लास्ट टाइम जो हुआ था 2023 में, वो था एक सबमर्ज्ड किंगडम टाइप का, जैसे द्वारका, कृष्णा, तो वो सब कुछ था, वो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड तभी हम लोग द्वारका भी जाके आए थे, तो और भी मतलब अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे थे हम लोग। इस साल का भी उतना ही अच्छा है, उतना ही यूनिक है, पूरा टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इनका, हर साल इनफैक्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है। तो आप लोग मुझे बताना कि आपको 23 वाला सबमर्ज्ड वो वाला अच्छा लगा था या फिर इस साल का, प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड ऑल्सो आप ये भी बताना कि इस साल आपको भुवनेश्वर के कौन से पंडाल जो वो सबसे अच्छे लगे। सो दोस्तों, स्टेशन बाजार का ये सुंदर सा पंडाल हमने अच्छे से देखा, हमने भी देखा, आपको भी मैंने दिखाया, आई होप मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एंड आप जल्दी जल्दी जाओ, बट हाँ यहाँ पर वीडियो एंड नहीं हुआ, बिकॉज अभी इसके बाद हम लोग जो निकल रहे जाएंगे हम लोग एस्प्लेनेड भुवनेश्वर, क्योंकि वहाँ पर नवरात्रि का फेस्टिवल जो है, डांडिया जो है वो, उसका सेलिब्रेशन चल रहा है। तो किस तरह से क्या चल रहा है हम भी थोड़ा एंजॉय करेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो में, चलते हैं एस्प्लेनेड
तो ये लीजिए दोस्तों, एस्प्लेनेड में इस तरह का एक गेट बना हुआ है एंड जैसे हम अंदर आते हैं पूरा एस्प्लेनेड, ये जो उसका मतलब रास्ता है ना, पूरा अच्छे से लाइट से सजाया गया है। इनफैक्ट हर फेस्टिवल में पूरा अच्छे से सजाते हैं। एंड लेफ्ट साइड वाला जो लॉन टाइप का है वहाँ पर डांडिया जो वो या फिर डांस, और नॉट ओनली डांडिया, बिकॉज यहाँ पर जो है वो जो डांडिया का जो स्टिक होता है ना वो मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो ले सकते हो या फिर ऐसे ही आप डांस कर सकते हो। एंड ये पार्किंग आप देख के समझ सकते हो कि कितना भीड़ होगा, पूरा फुल था पार्किंग। बट फाइनली एक कॉर्नर में गाड़ी रख के हम लोग निकल पड़े। तो ये माता की प्रतिमूर्ति, काफी सुंदर ब्यूटीफुल प्रतिमूर्ति यहाँ पर बनाई गई है। एंड अभी जो है हम लोग एंटर कर रहे हैं फुल क्राउड के अंदर जहाँ पर डांडिया एंड नाच गाना चल रहा है। चलिए हम भी एंटर करते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। सारा डांस करने के बाद अब बहुत थक गए थे हम दोनों माँ बेटी, तो इसलिए निकले। एंड चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते, बिकॉज इस प्लैनेट पे वो सब कुछ है, आप डांस करो, अच्छे से एंजॉय करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, फिर पेट पूजा आप कर सकते हो अगर चाहो तो, एंड अगर कुछ शॉपिंग करना है वो भी कर सकते हो। तो चलिए हम भी मतलब थोड़ा बहुत ऊपर चलते हैं, खाने वाले जो फ्लोर पे चलते हैं। बस ऊपर चढ़ते हुए ये कुछ स्टॉल्स आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर अच्छे से सज धज के ये मैनी क्वीन सारे खड़ी थी। तो एंड कुछ सारे स्टॉल्स है वो उसको अच्छे से सजाया गया था, तो वहाँ पर हमने देखा। एंड थोड़ा सा रिलायंस ट्रेंड के अंदर भी हम लोग घुसे। एंड यस, तो और जो सबसे इंटरेस्टिंग था, आईफोन 16 भी हमें थोड़ा देखने को मिल गया। एंड प्राइस उसका आपको दिखा रही हूँ अभी, तो मतलब क्रिस्टल क्लियर पूरा आ रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था मैं ले लूँ अभी, बट बहुत हाई रेंज में है तो बस देख लिया मैंने। फिर थोड़ा रिलायंस ट्रेंड के अंदर गया, एंड ये वाला स्कर्ट बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। एंड कुछ मैचिंग इसके साथ टॉप्स भी थे, काफ़ी सुंदर, काफ़ी सही सा ये स्कर्ट है। फिर ऐसे कुछ कुर्तीज़ वगैरह भी है रिलायंस ट्रेंड में, तो बस हम ऐसे ही देखते देखते, कुछ ख़रीदना नहीं था, बस देखते ही जा रहे थे हम लोग थोड़ा थोड़ा कि क्या अभी नया रिलायंस ट्रेंड में आया हुआ है। तो एंड ये वाला कलर अच्छा लगा बच्ची के लिए, तो ये भी देख रहे थे लेकिन ख़रीदा नहीं है। ओ हो हो हो, नाच नाच के अभी भूख से तड़प उठे हम लोग। सीट मिलेगा क्या कहीं पर? सीट तो नहीं मिलेगा, इधर बैठना पड़ेगा। तो फूड कोर्ट है जो पूरा फुल है, पूरा फुल जैसे आप देख रहे हो। एक कॉर्नर में हमें मिला 3 सीट, एंड थोड़ा बहुत हमने कुछ खाने पीने के सामान यहाँ पर हम लाए। तो खाना खा के अभी हम लोग थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, खाना खा के फिर घर निकल जाएंगे। तो कुछ इस तरह से दोस्तों इस डे को हमने एंजॉय किया। आई होप आप लोगों का भी जो दिन है अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। तो अगर ये वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छा लगा है देन प्लीज़ एक लाइक कर देना दोस्तों, कमेंट भी करना, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ टू कंसिडर टू सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द विथ अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।